झील
is animals. 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 ये animals सबसे पहले इनकी ज़रूरतें क्या है, what they want. तो animals को सबसे पहले क्या चाहिए, food चाहिए, air चाहिए, water चाहिए, और सबसे main है जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए, वैसे animals को भी क्या चाहिए, shelter. शेल्टर. तो एनिमल्स सर्वाइव कैसे करेंगे, दे वॉन्ट फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर. सम एनिमल्स दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स, दे सर्च देयर फूड देमसेल्व्स, बट सम एनिमल्स विच वी स्टे इन आवर होम एज अ डोमेस्टिक एनिमल्स, एज अ पेट एनिमल्स, we look after, we take care that animals. तो जो animals को आप रखते हो अपने घरों में रखते हो, उन animals की देखभाल आप खुद करते हो, लेकिन जो animals wild में हैं, जंगलों में हैं, घूम रहे हैं food की तलाश में, water की तलाश में, shelter की तलाश में, वो लोग अपने लिए खुद ही food, water और shelter बनाते हैं और सर्च करते हैं, खोजते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को तो हम शेल्टर, फूड, वाटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो अपना घर, फूड, वाटर सर्च कर करके, खोज के खुद ही बनाते हैं. ओके, तो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं आपके टाइगर, लायन, लियोपर्ड. ओके, उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं, जिनको आप किसी सिचुएशन में पालते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनको फूड, वाटर, एयर और शेल्टर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराते हो. ऐसे एनिमल्स जैसे हॉर्स, काउ, डॉग, बफेलो. यस, इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी सिचुएशन में, वो तो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन एज अ सिचुएशन, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि उनको हम पालते हैं एज अ डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कि हॉर्स. हॉर्स तो वाइल्ड एनिमल है, जंगल में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसे हम अपने यूज़ के लिए, किसी काम के लिए अपने घरों में पाल लेते हैं. जैसे घोड़ा गाड़ी बनाते हैं तो घोड़ा गाड़ी को कौन चलाता है, हॉर्स. हॉर्स कार्ट है तो हॉर्स चलाएगा. यस, इसी तरह से हॉर्स को हम किसी सिचुएशन में उसे अपने घर में पालते हैं. अच्छा, काउ, काउ को क्यों पाल रहे हैं, काउ गिव अस मिल्क, तो मिल्क हमें कौन देगा, काउ बफेलो देगा, इसलिए हम काउ बफेलो को पाल लेते हैं. ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिसको हम फॉर्म एनिमल्स कहते हैं. फॉर्म एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनके हेल्प से हम एक बिजनेस करते हैं. जैसे आप पोल्ट्री फॉर्म देखते हो, पोल्ट्री फॉर्म देखा, तो पोल्ट्री फॉर्म में हम क्या पालते हैं, हैन. क्यों पालते हैं, हैन गिव अस एग, एग मिलता है हमें हैन से, तो एग की हम सप्लाई बाहर कर देते हैं, तो इसलिए हम एक पोल्ट्री फॉर्म कर लेते हैं. उसी तरह से हम जब एक डेयरी फॉर्म खोलते हैं, उसके लिए हम मिल्क, मिल्क के लिए करते हैं. मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, हम या तो काउ को रखते हैं अपने फॉर्म में, या कभी कभी आप बफेलो, बफेलो को भी देख लेते हो कि आप एक्सेस नंबर में हम काऊ और बफेलो को पाल लेते हैं, जिससे हमें प्रॉपर मिल्क मिलता रहे. कभी हम अगर 100 लीटर मिल्क बाहर
बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो रोज़ हमें 100 लीटर मिल्क देना ही है वहाँ पर। उसके लिए अगर हमें पहले से ही अधिक संख्या में अपने गायों को भैंसों को नहीं पालेंगे तो हमारी डेयरी फार्म कैसे चल पाएगी। उसी के लिए वो लोग बिजनेस करते हैं। तो जब अगर 100 गायें दूध दे रही हैं तो हम एवरेज में 2100 काउ या 100 बफेलो को रखे रहते हैं कि अगर हमें सप्लाई नहीं मिल पाए तो इनसे हमें मिल्क मिल जाएगा। इसी तरह से हम एवरेज में लेकर चलते हैं जिससे हमारा बिजनेस कंटिन्यू चल सके। उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि पेट एनिमल कहलाते हैं। वो पेट एनिमल्स क्यों पाले जाते हैं? फॉर आवर एंटरटेनमेंट। हम उनको पालते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए हम किसको पालते हैं? वो एनिमल होते हैं जैसे कि पैरट। कभी कभी आपने देखा है पैरट इमिटेट आवर वॉइस, हमारी वॉइस की पैरट नकल करता है। जब हम बोलते हैं राम तो बोलता है राम। जब हम किसी बच्चे का नाम लेते हैं तो वो भी बोलने का प्रयास करता है। तो पैरट आपकी वॉइस की नकल कर रहा है, तो पैरट इमिटेट आवर वॉइस। कभी कभी हम बुलबुल को भी पालते हैं, बुलबुल। और हम रैबिट पालते हैं, डॉग पालते हैं। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि हम शौक में पालते हैं। डॉग बहुत ही वफादार जानवर होता है, फेथफुल एनिमल है डॉग। तो इसे डोमेस्टिक के रूप में पालते हैं क्योंकि ये हमारे घर की रखवाली करता है। इसे पेट एनिमल्स की तरह भी पालते हैं क्योंकि ये इसके जो हेयर होते हैं, इसकी जो आवाज़ होती है, सबको अच्छी लगती है। तो उसी तरह से ये पेट एनिमल्स हैं जो कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए पालते हो। लेकिन जब किसी पर्पज़ के लिए पालते हो कि हमें मिल्क मिलेगा, हमें हनी मिलेगी, तो इस तरह से जो आप इंडस्ट्रियल लेवल पे वर्क करते हो ये आपके क्या होते हैं? फॉर्म एनिमल्स। ओके, ऐसे कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं। लेट्स सी, कुछ आपके बर्ड्स हैं। बर्ड्स आपके फ्रेंड्स हैं। बर्ड्स वो कौन से बर्ड्स होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में भी सहायता कर रहे हैं और आपकी भी सहायता कर रहे हैं? तो वो बर्ड्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आपने देखा है पिकॉक। पिकॉक क्या करता है? स्नेक को खाता है पिकॉक और इंसेक्ट को खा लेता है, तो उससे बैलेंस बना रहता है। यस, पिकॉक आपका नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स भी है, नेशनल बर्ड एनिमल, तो क्या बोलेंगे? पिकॉक। ओके, ऐसे आपके क्रो हैं, इसके वेंजर इनको बोलते हैं। ये क्रो ऐसे बर्ड हैं जो सब कुछ खाता है, ग्रेन, रोटी, चपातीज और आपके मीट, सब कुछ खाने वाला है क्रो। तो क्रो सफाई कर रहा है। तो क्रो ऐसे बर्ड्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं और बैलेंस बनाते हैं के लिए भी अच्छे हैं, ऐसे बर्ड्स हैं। वैसे वल्चर, ईगल, आप देखते हैं ऐसे ये बर्ड हैं जो कि आप जैसे नॉर्मल, अगर आप 4 मीटर तक देख सकते हो, आप नॉर्मली 4 मीटर तक देख सकते हो। ओके, तो लेकिन ये जो वल्चर है, वल्चर ये कितनी दूर तक देख सकती है? ये आपसे 8 गुना तेज ये देख सकते हैं। वल्चर मीन्स अगर आप 4 मीटर देखते हो तो ये कितनी दूर देखेंगी? 8 4 = 32 मीटर।
ये 30th वल्चर ईगल कितनी दूर तक देख सकती है? 32 मीटर। आप 4 मीटर देख सकते हो, ये आपसे 8 गुना तेज देख सकती हैं, इनकी क्वालिटी होती है। ओके, ये है आपके वल्चर ईगल की क्वालिटी। ओके, कुछ आपके इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे आपने देखा आंट, देखा आपने आंट को, आंट के पास कितने लेग होते हैं? आंट के पास होते हैं 6 लेग्स, 6 लेग्स होते हैं। ओके, उसी तरह से एक इंसेक्ट होता है, उसको बोलते हैं स्पाइडर। स्पाइडर की क्वालिटी क्या है? स्पाइडर के पास होते हैं 8 लेग, 8 लेग, 8 लेग्स स्पाइडर में होते हैं। इस स्पाइडर की तरह ही आपके जो स्पाइडर मैन होता है, उसकी जो एब्डोमेन होता है, उस पर किस चीज़ की पिक्चर बनी होती है? इसी स्पाइडर की, उसके 8 लेग ऐसे दिखते रहते हैं, है ना। ये स्पाइडर, इन सब, इसके पास कितने लेग होते हैं? 8 लेग। वैसे इंसेक्ट के पास कितने लेग होते हैं? 6 लेग। ये स्पाइडर स्पेशल है जिसके पास 8 लेग होते हैं। अगर आप मॉस्किटो को देखोगे, क्योंकि वो सक करता है ब्लड को, सकिंग है उसकी, टीथ सकिंग होती है, तो मॉस्किटो के पास भी 6 लेग होता है। ओके, इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंसेक्ट किस तरह से वर्क कर रहे हैं, इनके पास कितने लेग होते हैं। किस, कुछ बटरफ्लाइज हैं, वो भी किस में आती हैं? इंसेक्ट में ही आती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, और मॉथ होती हैं, सिल्क वर्म होती हैं, ये सब किस में आते हैं? सब इंसेक्ट में आते हैं। सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क। तो हम सिल्क से क्या बनाते हैं? सिल्क क्लॉथ। इसकी थ्रेड हम कोकून से निकालते हैं। सिल्क वर्म से हम क्या प्राप्त करते हैं? कोकून। इसको बॉयल करके हम बनाते हैं थ्रेड। जैसे आपने देखा था सजीदाज दुपट्टा, अ ब्यूटीफुल क्लोथ्स में देखा था, वैसे ही इस कोकून को बॉयल करके हम थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड बना करके, रोलिंग करके, इससे हम अलग अलग कलर के, जब ट्राइन डाई कर देंगे, कलर कर देंगे उस थ्रेड का, तो हम अलग अलग कलर से क्लोथ्स भी बनाते हैं। ये है आपका एनिमल्स और फ्रेंड्स एनिमल। तो आपको क्या करना है? आपको अपने एनिमल्स की, प्लांट्स की सुरक्षा करनी है, उनको सेव करना है, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव विदाउट अस। वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं इस अर्थ पर, बट वी कांट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना सर्वाइव तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें सबसे मुख्य कार्य क्या करना है? अपने प्लांट्स और अपने एनिमल्स को बचाने के लिए प्लांट्स को वाटरिंग करना है, और एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ फूड्स सप्लाई करना है। जैसे आप बर्ड्स के लिए कुछ ग्रेन्स दे सकते हो रोज़, उनको वाटर किसी प्लांट के सेड पे रख सकते हो, जिससे वो वाटरिंग कर सके। वो तो सर्च करने के लिए कितने किलोमीटर दौड़ती रहती है, कभी मिल जाता है फूड, कभी ग्रेन्स मिल जाता है, कभी भूखे रहना पड़ता है। अब तो पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई हो रही है, जिससे उनका शेल्टर, जो उनका नेस्ट है, वो भी नहीं रहता ज़्यादा। यस, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ओके, तो इसी थॉट के साथ अब हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।